ये हमारा टाइम है पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने, और इसी टाइम हमारे डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा होते हैं। हम चाहते हैं कि फोन ज्यादा चलाएं, हम चाहते हैं कि थोड़ा घूमें, हमें थोड़ा ऐसा होता है। तो इस चीज पे हमें समझना है कि नहीं, इस साल हम मेहनत कर लेते हैं, इसके बाद हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। तो हमें ये एग्जाम के बारे में, अगर हम एग्जाम को गोल बना रहे हैं कोई, तो उसके बारे में हमें फर्स्ट स्टेप लेना क्या है कि हम उस बुक्स पे ज्यादा हमें सोचना नहीं है, एक बुक पे स्टिक करनी है। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी को आपको थोरो रीडिंग करनी है, बार बार रीड कीजिए, लेकिन सिर्फ रीड नहीं करना, पढ़ना ही नहीं है, अप्लाई भी करना, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होना, पढ़ना भी है, क्वेश्चन भी बनाना। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और कभी भी ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना कि फिजिक्स हार्ड आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है, कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं रखना। सबका इंडिविजुअल होता है कि हमें कुछ चीज ज्यादा हार्ड लगती है, कोई चीज ज्यादा आसानी से समझ आता है। तो हमें बट ये है कि जो चीज हमें ज्यादा डिफिकल्टी लगती है उस पर हमें ज्यादा टाइम देना है, अपना टाइम को उसमें यूटिलाइज करना है, और तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना है। एक सब्जेक्ट पे हमारा अगर ग्रास्प है तो दूसरों पे ज्यादा ध्यान देना। हमारा जो अच्छा है उसे तो हम अच्छा करेंगे, जो चीज हमारा वीक है उस पर ज्यादा फोकस करें, और क्वेश्चंस बनाते रहिए। एमटीजी की प्रीवियस ईयर की बुक मिल जाएगी आपको, नीट के लिए, जेई के लिए, तो बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि एक जो हमारा बेस है उस पर ज्यादा ध्यान दें। एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की बुक्स आप जहां से बनाना चाहे बनाए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी में आपको इनफ डेटा दिया गया, क्योंकि उसी से एग्जाम आने वाला है, ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है। तो जो हमारे एग्जाम बना भी रहे हैं एग्जाम के पेपर्स, वो भी जान रहे हैं कि ये बुक आती है, ये बुक हर जगह चल रही है, हर स्कूल में चल रही है, तो इसलिए इसी से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये ज्यादा नहीं सोचना है कि बाहर से आएगा क्वेश्चन तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और हमेशा फोकस कीजिए कि जो हमारा गलत हो रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा ये नहीं ट्राई करना है कि सॉल्यूशन देख लिए, आंसर देख लिए, तो जैसा हो रहा है वैसा समझ लें, मतलब कि वैसा टाइप आया क्वेश्चन तो बना लेंगे, लेकिन कुछ अगर थोड़ा सा घुमा दिया गया तो गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, जो गलत हो रहा है क्वेश्चन उस पे उस टॉपिक पे जाइए और उस टॉपिक को पूरा रिवाइज कीजिए। सिर्फ उस क्वेश्चन को ही नहीं देखिए, उस क्वेश्चन जो जहाँ से वो क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को जाके पूरा रिवाइज कीजिए। और जैसे कि अब ट्वेल्थ में आ गए हैं कोई, तो ट्वेल्थ में है तो आप क्या कीजिए कि इलेवेंथ में जो पढ़े, जब इलेवेंथ का चीजें रिवाइज कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि जो कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं बायो में, तो वहाँ पे काइटिन आया, अब तो आप उसको ध्यान दीजिए कि वो कहाँ कहाँ और है, सिर्फ उसी चैप्टर में नहीं है, हमारे एनिमल किंगडम में भी है हमारे, और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी है, तो हमें वो भी देखना है कि वो चीज़ें कहाँ हैं, रिलेट करना है चैप्टर से, रिलेट कर करके हमें पढ़ते जाना है। और हमेशा ये ट्राई कीजिए कि हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, हर सब्जेक्ट को टाइम देना हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि सर ने बोला कि तीनों एग्जाम, जैसे जेई में भी एडवांस में, तीनों सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं किए तो आप पूरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं, तो वैसे ही कि तीनों सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आपके अच्छे स्कोर नहीं आएगा, और स्कोर भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल सिचुएशन ये है कि हमेशा हम बोलते हैं इंप्रूव करिए, अपने आप को देखिए कि हर बार एग्जाम में हमारे मार्क्स बढ़े, ऐसा हमें देखते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है हर टाइम के लिए, क्योंकि कभी एग्जाम हार्ड आता है, कभी एग्जाम थोड़ा ईजी आता है कंपेरेटिवली। तो उसमें हमारा मैं इस पर एक स्ट्रेटजी अपनाया था कि हमेशा अपना राइट इज टू रॉन्ग देखिए, आपने कितने सही क्वेश्चन बनाए और कितने गलत बनाए, इसको बढ़ाने की कोशिश ज़्यादा कीजिए और अटैम्प्ट बढ़ाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटैम्प्ट कर रहे हैं वो कम करें, क्योंकि उससे तो मार्क्स कम होगा ही, तो मार्क्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बट इस पर भी फोकस कीजिए कि राइट इज टू रॉन्ग रेशियो बढ़ रहा है। और जब आपका रेशियो 13:1, 14:1, 14 सही है और 1 गलत है, ऐसा बन जाए तब आप समझिए हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो हमें हर टाइम लगे रहना है, रेगुलरिटी इसका मेन चीज़ है, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलिएगा तो ये जर्नी बहुत आसान है, और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नीट के एग्जाम सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ज़्यादा ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि इस एग्जाम में क्या होगा कैसा होगा, ठीक है, आता है हमारे दिमाग में कि हम टेंशन लेने लग जाते हैं कि क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं सोचना है। हमें ये सोच के जाना है कि एग्जाम में जो आ रहा है वो मुझे समझ आना चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, गलती हुई वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं वो हमें आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका बने रहेगा, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपने पढ़ा था अपना, आपने 100% अपना 100% देना इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, सक्सेस पाना नहीं पाना वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में हार्डवर्क है, उस चीज को कीजिए और रोज कंसिस्टेंसी मेंटेन करके 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। सिर्फ स्कूल में पढ़ना है उससे नहीं होना, हमें अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। हम जब एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे घर में भी, प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे,
कि हमने दो हफ्ते में एक टेस्ट दिया, हर दो हफ्ते में एक टेस्ट दे रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, टेस्ट में ये भी देखना है आपको कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, कहाँ से गलत हो रहे हैं मेरे क्वेश्चन, सिली मिस्टेक हो रहे हैं कि हमारे जेन्युइन मिस्टेक्स हैं, कॉन्सेप्ट मिस्टेक्स हैं, तो उस पर फोकस करके हमें पढ़ते जाना है। और इसमें यही है कि नीट की जर्नी इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, हम इसलिए गाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने वो जर्नी अभी क्रॉस किया, तो हम जान रहे हैं कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या अच्छा किया। कि मैंने जैसे पापा ने बोला था कि मैंने 11th में क्या हुआ था कि मैं स्मार्टफोन वगैरह थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहा था। देखो अंदर ही अंदर हम खुद जान रहे हैं कि वो एक्सेसरी है, एक टाइम पास की चीज़ है, तो वो हमारे लिए बाद में काम आने, अभी हमारे कोई काम नहीं है। तो हम ट्राई करो कि वो हैंड ओवर कर दो अपने पेरेंट्स को, और या तो पेरेंट्स का ही फ़ोन यूज़ कीजिए। क्योंकि मैंने ये 11th में ये डिसीजन लिया, थोड़ा लेट किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले लीजिए ये डिसीजन, मेरे से और अच्छा करें आप। और ये मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे डिसीजन इसलिए लीजिए क्योंकि हम जान रहे कि ये चीज़ टाइम पास है, तो ये हमारे हेल्पफुल नहीं करता। हम उसे जितना टाइम पास चीज़ें हैं, जितना डिस्ट्रैक्शन हम जान रहे कि डिस्ट्रैक्शन, उसे हटाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टाइम हमारा हमारे पढ़ाई के पे दीजिए, ठीक है। और मैं जैसे मैंने गलती की, मैंने पार्ट टेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं दिए, तो उस पर भी फोकस कीजिए कि पार्ट टेस्ट वगैरह भी दीजिए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा है कि कोई भी एग्जाम हम लोग फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो सकते, कोई भी फुल्ली प्रिपेयर नहीं होता किसी एग्जाम में। तो कभी ये मत सोचना कि यार मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, एक हफ्ते बाद देता हूँ टेस्ट, ये मत करना। ट्राई करना कि जितना प्रिपेयर कर सकते हो उतना करके दो, और उस जितना प्रिपेयर किया उसमें देखो कि कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। लेकिन ट्राई करो फुल्ली प्रिपेयर हो, मतलब कि अपना प्रिपरेशन जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो, लेकिन कोई भी फुल्ली प्रिपेयर नहीं होता, ठीक है। हमेशा हमारे मन में ये रहता है कि हमारा कुछ ना कुछ टॉपिक छूट जाता है, तो गलती होती है, तो हम इंसान है तो गलतियाँ तो होंगी, लेकिन यही है कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये गलतियाँ कम होंगी। और पढ़ना है और प्रैक्टिस करना, इस चीज़ को मेंटेन करके चीज़ चलिए, तो ये हमारा जो जर्नी है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इतना ही मैं शेयर करना चाहूँगा। Very valuable hints.